स्टोरी से एसोसिएटेड है आपने अगर सुना होगा कि एक ग्रीक माइथोलॉजी में ये बोला जाता था कि एक पर्सन इज होल्डिंग एंटायर अर्थ अपने कंधे पर पूरी अर्थ को उठाए हुए एक पर्सन है ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन द नेम ऑफ द बोन हैज बीन गिवन। सो कैन यू गेस दैट नेम वेलकम टू एस चांद अकेडमी माई नेम इज़ आदित्य एंड यू आर वॉचिंग कंपेरेटिव एनाटॉमी अटोमी फॉर जोलॉजी सेमेस्टर टू अब तक हम इंटेग इंटेगोमेंट्री सिस्टम के कंपैरिजन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे आपने पहले भी देखा कि पैलियटोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे अच्छा एविडेंस होता है बोन्स और स्केलेटल सिस्टम क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ओसिफिकेशन एंड कैल्शियम डिपोजिशन सो स्केलेटन्स बीन

सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू लुक एट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है एंड वॉट काइन ऑफ फंक्शंस इट कैन डू सो पिछले वीडियो में आपने देखा कि इंटेगोमेंट्री सिस्टम जो कि एक बाहरी कवरिंग बनाता है दैट द पार्ट ऑफ एक् स्केलेटन लेकिन अंदर से जो शेप प्रोवाइड करने का काम करता है जो हमारी बॉडी की बेसिक आर्किटेक्चर बेसिक स्कैफोल्ड को डेवलप करता है दैट स्ट्रक्चर इज स्केलेटल सिस्टम विच इज मोस्टली मेडअप ऑफ बोन्स एंड मसल्स So बोन्स विल remain अ वेरी important aspect ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्केलेटल सिस्टम एंड as आई टोल्ड you, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट उनमें डिपोजिटेड होता है विच इज़ कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन एंड दैट मेक्स दैम हाईली परसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फॉसल्स में भी बहुत लंबे समय तक कई हज़ार साल तक सर्वाइव कर सकते हैं और रह सकते हैं तो कुछ बेसिक फीचर्स स्केलेटल सिस्टम के हम पहले डिस्कस करेंगे So द entire skeletal सिस्टम ऑफ organisms कैन be डिवाइडेड into टू कंपोनेंट्स एंडोस्केलेटन एंड exoskeleton. एंडोस्केलेटन यानी कि हमारे शरीर के अंदर की तरफ से जो उसके फोल्डिंग है एग्जोस्केलेटन जो बाहर की तरफ से है सो बेसिकली इंटेग्यूमेंट की जो हमने बात की थी दैट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम बट इट वॉज एक्जोस्केलेटन बाहरी स्केलेटन था लेकिन अंदर का जो स्केलेटन है जैसे हम एंडो स्केलेटन कहते हैं जो अंदर से हमें एक स्केफोल्ड बनाकर देता है जिसके ऊपर मसल्स अटैच हैं जिसके ऊपर बॉडी के बाकी पार्ट्स अटैच्ड हैं इसको भी पर्टिकुलरली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वी कैन डिवाइड दैट इनटू टू बेसिक पार्ट्स आई मीन द स्केलेटन ऑफ द हेड हेड का जो स्केलेटन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एस क्रेनियल स्केलेटन विच इंक्लूड्स ऑल द बोन्स ऑफ द हेड एंड इंक्लूडिंग योर जॉ एंड माउथ एंड रिमेनिंग स्केलेटन बाकी बॉडी का जो बचा हुआ स्केलेटन है उसको हम कहते हैं पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन इसको डिवाइड करने का रीजन सिर्फ अपेरेंटली uh, मॉर्फोलॉजी ही नहीं है बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंसिस इन द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंसिस इन दंटोजेनी ऑनटोजेनी में भी डिफरेंस होने की वजह से क्रेनियल स्केलेटन और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन को अलग रखा गया है तो क्रेनियल स्केलेटन अपने आप में एक डिस्कशन का बड़ा टॉपिक है एंड वी कैन डिवाइड दिस क्रेनियल स्केलेटन अगेन इनटू थ्री पार्ट्स वन इज कॉल्डस स्प्लैंकोक्रेनियम अनदर इज कॉल्डस कॉन्ड्रोक्रेनियम और न्यूरोक्रेनियम एंड थर्ड वन इज कॉल्डस डरमेटोक्रेनियम वी विल टॉक अबाउट दैम इन डिटेल अभी हम इनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कंपेरिजन भी करेंगे एट द सेम टाइम पोस्ट क्रैनियल स्केलेटन बियॉन्ड योर स्केलेटन दैट कैन भी डिवाइडेड इंटू टू कम्पोनेंट्स वो दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है एक्जियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि एक हेड से निकलने वाला एक वर्टिबल कॉलम का पार्ट जो बैकबोन होती है हमारी वो एक्जियल स्केलेटन का हिस्सा है जो एक एक्सेस प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के लिए बाकी स्केलेटल कम्पोनेंट्स को और बाकी अपेंडिकुलर यानी कि अपेंडेज हमारे हाथ हमारे पैर गर्डल्स ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन एनाटॉमिकली हम इनको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं तो जब हम स्केलेटन की बात करते हैं स्पेशली जब क्रेनियम की बात करते हैं यानी कि हेड की बात करते हैं तो आप शायद इस बात से थोड़ा सा अम्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा क्यूरियस हो सकते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में ये जॉज जो हैं ये कैसे डेवलप हुए कैसे अचानक से जॉज आ गए कुछ मछलियाँ आपने देखी कुछ फिश यानी कि कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स इन ऑर्गेनिजम्स में देखा जिनमें जॉज होते ही नहीं पेट्रोमाइज़ोन अ वेरी प्रिमिटिव फिश दैट डजेंट हैव जॉ एट ऑल एंड इवन सम प्रोटोकॉर्डेट्स दे डोंट हैव जॉज बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हाउ डीज जॉज वर इवॉल्व्ड एंड वॉट वॉज द अंडरलाइंग ऑर्गन विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट तो यहाँ पर भी ऑन्टोलॉजी की स्टडी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हेल्पफुल होती है और अगर हम कंपैरेटिव एनाटॉमी करें एम्ब्रियो की तब हमें काफ़ी कुछ जानकारी इस बात को लेकर मिलेगी कि कैसे आखिर हमारे जॉज डेवलप हुए और जिन बोन्स से हमारे जॉज डेवलप हुए उन्हीं में से कुछ बोन्स जो हैं वो हमारे स्कल का पार्ट भी बनी इसीलिए जो क्रेनियल स्केलेटन है जो ब्रेन का पूरा केस है उसको हम जॉज़ के साथ एक अलग कंपोनेंट की तरह पढ़ते हैं और बाकी जो रिमेनिंग स्केलेटन है उसको अलग डिस्कस किया जाता है सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर व्हिच कैन एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेड एंड जॉज दैट इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल आर्चिस सो यू नो अबाउट आर्चिस आप आर्च के बारे में जानते हैं अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो शायद जानते होंगे या कोई आपके नोन आर्किटेक्ट हैं क्योंकि आपने कभी कभी ब्रिजेस या बिल्डिंग्स में देखा होगा इस तरह के सॉलिड स्ट्रक्चर्स राइट टेम्पल्स ब्रिजेस, बिल्डिंग्स दीज आर कॉल्ड एज आर्चेस विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द मटीरियल जो बिल्डिंग मटीरियल है या जो पूरी बिल्डिंग का बेस स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो इन अर्ली डेज जो बहुत एंसियंट uh, पेलींटोलॉजिस्ट थे या जो कंपेरेटिव एनाटामिस्ट थे वो भी एक ह्यूमन स्केलेटन या ऑर्गेनिज्म को के स्केलेटन को एक आर्किटेक्चरल मार्वल की तरह देखते थे दे ऑल्सो फाउंड कि यहाँ पर भी स्केलेटल सिस्टम में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आर्किटेक्चरल यूनिट्स कंसिडर की जा सकती हैं इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये नाम वहाँ से डिराइव हुआ आर्चिस कहा जाता था सो वी हैव बेसिक आर्चिस इन द बॉडी दैट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स और उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट टाइप की आर्चेस होती हैं जिनको कहा जाता है ब्रांकियल आर्चेस। सो आर्चेस, द वर्ड ब्रांकील बेसिकली रेफर्स टू गिल्स यू नो फिश द मोस्ट एंसियंट वर्टिब्रेट्स फिश जो है सबसे एंसियंट वर्टिब्रेट्स हैं और उनमें गिल्स एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं तो इन गिल्स के आसपास का जो स्केलेटन है उस स्केलेटन को हम ब्रेंकियल स्केलेटन ब्रेंकियलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सो दीज आर्चेस विल बी प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल दिज आपने हग्ले की थ्योरी और वॉन बेयर की थ्योरी के बारे में पढ़ा उसके बारे में हमने डिस्कशन किया फर्स्ट वीडियो में कंपेरेटिव एनाटोमी के तो हमने वहाँ सीखा कि ऑनटोजनी जो है वो रिकैपिटुलेट करती है या फिर जो कॉमन फीचर्स होते हैं किसी भी एम्ब्रियो के अक्रॉस दी किंगडम और अक्रॉस फाइला दे अपीयर फर्स्ट सो अपीयरेंस ऑफ ब्रैंकेल आर्चिज इज़ वन ऑफ द जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है तो चाहे वो फिश हों एम्फीबियंस हों रेप्टाइल्स हों या मैमल्स हों या फिर बर्ड्स हों इन सब में ये ब्रेंकीयल आर्चिस अपीयर होती हैं और ये ब्रांचियल ब्रेंकील आर्चिस जो हैं कैन बी गिवन डिफरेंट नेम्स अगर ये फिश हैं या लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, है, तो उनको ब्रांचियल, ब्रांचियल ही कहा जाता है लेकिन अगर हम ह्यूमंस के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर क्योंकि गिल्स का डेवलपमेंट नहीं होना है गिल्स की जरूरत नहीं है सो तो दिस ब्रांकियल आर्चेज में भी गिवन डिफरेंट नेम्स इनको हम कभी कभी फेरेंजियल आर्चेस भी बोलते हैं या फिर क्योंकि इनसे विसरल ऑर्गन्स की केसिंग बनती है इसलिए इनको विसरल आर्चिस भी बोलते हैं सो द नेम्स में भी सिनोनिमस समटाइम्स इनका मीनिंग एक ही है लेकिन जो टेक्सोनिक एट्रीब्यूशन हैं वो अलग हैं फिश में इनको ब्रांच ब्रांकियल आर्चिस कहा जाता है और हायर वर्टिब्रेट्स में इनको फेरेंजियल आर्चिस या फिर विसरल आर्चिस कहा जाता है सो दिस इज समथिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंटायर स्कल एंड जॉस हमारे जॉ और स्कल का जो आर्टिकुलेचर है जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बनाने में इन्हीं का रोल होता है इनफैक्ट ये जो स्टार्टिंग के दो आर्चेज आप देख रहे हैं ओके दे माइट बी कार्टलेजियस इन सम ऑर्गेनिजम्स दे माइट बी बोनी इन सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन दोजीशन बट दीज टू फर्स्ट आर्चेज विच यू आर सींगेयर दे हैव एक्चुअली बीन इनको नाम भी दिया गया है मैंडिबुलर आर्च एंड हायर्ड आर्च Based on the fact that these have gradually evolved into mandible, this jaw bone, this is the one of the most strong, strongest bone of our body after shin bone, jo hamare pair ki bone hoti hai lower leg ki उसके बाद ये सबसे strong bone होती है हमारे शरीर की। तो mandible के development के लिए जो first arch है, ये responsible होती है, और इसके next जो है, that is the hyoid arch, and there are some spaces. इनके बीच में इन आर्चिस के बीच में क्या होता है फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं और यहीं पर कुछ फेरेंजियल पाउचेस भी होते हैं तो ये फेरेंजियल स्लिट्स आगे चलकर गिल्स बनाएंगे गिल्स की ओपनिंग बनाएंगे और उनके सपोर्ट देने के लिए ये बोन्स होंगी या फिर अगर कार्टिलेजिनस फिश हैं तो ये काटलेज होंगी और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यही एवोल्यूशन के बाद यही डेवलपमेंट के बाद यही चीज़ें जॉ और स्कल के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं लेट्स लुक एट द थ्योरीज विच हैव बीन प्रपोज्ड कि कैसे ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसे ये आर्चेस धीरे धीरे मॉडिफाई हुई स्किल बोन्स स्कल की बोन्स में और जॉ की बोन्स में देर आर टू थ्योरीज विच हैव बीन बेसिकली प्रपोज एक थ्योरी जो है दैट इज कॉल्ड एज सीरियल थ्योरी एंड अनदर थ्योरी दैट इज कॉल्ड एस कंपोजिट थ्योरी सो वट दिस थ्योरीज बेसिकली आर

खुली जगह वो रास्ते या छोटे छोटे दरवाजे समझ सकते हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और आर्च उनको सपोर्ट करने के लिए एक कार्टिलेजिनियस या एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर तो इन आर्चेस के बीच में स्लिट्स हैं जहाँ से ये रेस्पायर करते हैं एंड दे हैव ऑल द सिक्स आर्चेस सो इट इज ऑब्जर्व्ड कि शायद धीरे धीरे एक ही आर्च यानी कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट एंड सेकेंड आर्च हैं दे माइट हैव इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फीडिंग हैबिट्स इनकी जो फीडिंग हैबिट्स थी या इनका जो हैबिटेट था उसके अकॉर्डिंग ये आर्चिस मॉडिफाई हुई और मॉडिफाई होने के बाद इन जॉलेस जॉलस जिनके अंदर आर्चिस तो थी लेकिन जॉ नहीं थे इन्हीं से ये जॉज इवॉल्व हुए और एंड दैट इट्स सेल्फ वही पार्ट सिक्वेंशली टर्नड इन टू द क्रेनियल केस उसी से ये क्रेनियल केस भी बना but the other theory which is called as composite theory that does not follow this rule that it happened sequentially kya sequentially hua bone se jaw bane bone modification but the composite theory says that there was other comp there were other components also in arches ke component theory, arches milker modify according to the needs and some of them led to the formation of neurocranium you can see here uh, parts like otic shelf which will give rise to the eyes and other sensory organs, and you have mandibular arc, hyoid arc, and rest of the branchial arc. So these have compositely led to the formation of different kind of components of our skull. So both these theories still exist. Donohi theory exists karti jaw or skull ke development, ke liye. and it has been proven. ये देखा भी गया है कि किस तरह से इन बोन्स का मॉडिफिकेशन हुआ क्योंकि आप ये चीज कहाँ देख सकते हैं एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में इफ़ यू लुक एट द दम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन द प्रमिटिव एम्ब्रियज इवन ऑफ मैमल्स यू विल फाइंड दीज आर्चिस एंड एज द एम्ब्रियो ग्रोज दीज आर्चिस विल ग्रेजुअली मॉडिफाई इन टू क्रेनियल केस एज वेल एज जॉज तो इसलिए जॉ और क्रेनियल केस की बात एक साथ अक्सर की जाती है सो वॉट आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई हेयर विद दिस पिक्चर इस पिक्चर में आप और भी कुछ क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं वेन यू विल लुक एट द बोन ऑफ स्कल एंड वेन यूल लुक एट द बोन ऑफ जॉज अगर हम अपने ही जॉज की बात करें तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर बोन जो मेरा जॉ बना रही है एंड देन यू कैन हैव सम बोन्स हेयर विच आर मेकिंग चीक्स बट बिसाइड्स दिज अपर एंड बोन्स स्कल में बोन्स हैं कुछ देर uh, इज Uh, very fine, very flat kind of bone, which is called as frontal bone. Then you have parietal, temporal, occipital bones. But besides that, you also have some bones inside in the interior, which roof are making the cranium. Ka, and some of the bones which are forming the base of nose, and some of the bones which are making this part of the neck. So. कैन डिवाइड बेसिकली पार्ट हम इस ब्रेन के पार्ट को इस पूरे क्रेनियल के इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ये जो जॉ वाला पार्ट है दिस इंटायर पार्ट दिस कैन बी कॉल्ड एस स्पलो क्रेनियम ना वाई वी कॉल दिस एस स्प्लैंक्नो क्रेनियम बिकॉज स्पलेंकनो रिप्रेजेंट दिशरल आर्ट सो विसरल आर्च और ब्रेंकीियल आर्चिस दे विल गिव राइज टू दिस पर्टिकुलर पार्ट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हीं में से कुछ हिस्सा जो है हमारे ईयर्स इंटरनल ईयर्स के कम्पोनेंट बनाता है क्योंकि ईयर्स के अंदर भी बोन्स हैं आप जानते हैं वी हैव स्टैप्स मेलियस इंकस ये बोन्स हैं एंड सम पार्ट विच इज द अपर पार्ट ऑफ द क्रेनियल केस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोक्रेनियम और कॉन्ड्रोक्रेनियम दिस इज स्लाइटली डिफरेंट दैन स्पलेंक्रोक्रेनियम So, the divisions of head or anatomy of head has been decided on the basis of how they originate originate and this picture will basically tell you the origin of different components If you look here, this part is representing hyoid arc So, hyoid, hyoid arch is the second one शुरू से अगर आप देखेंगे इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस पिक्चर हमने आर्चिस का डिस्कशन किया था पहली आर्च जो होती है वो मैंडिबुलर आर्च कहलाती है दूसरी जो है हाइड आर्च कहलाती है तो मैंडिबुलर आर्च से क्या बनता है और हाईड आर्च से क्या बनता है डेवलपमेंट के दौरान उनका डिस्कशन यहाँ किया गया है सो मैंडिबुलर आर्च ऑन एवोल्यूशन दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिकुलर एंड क्वाड्रेट कंपोनेंट्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलियस एंड इंकस टू बोन्स ऑफ इंटरनल ईयर वेयर एज द हाइड आर्च दैट लेट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेप्स द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आर बॉडी हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन तो ये वाला पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेसिकली दिस इज प्रेजेंट इन द इंटरनल ईयर सो यू कैन कंपेयर दनाटॉमी अगर आप एक फिश की एनाटॉमी को कंपेयर करें अपनी बॉडी से तो जहाँ जॉलेस फिश में केवल आर्चिस थी वही आर्च इवॉल्व होकर धीरे धीरे किस चीज में कन्वर्ट हुई दे टर्न इन टू मिडिल ईयर्स और इंटरनल ईयर कंपोनेंट्स वहाँ पर बोन्स में कन्वर्ट हुई बट इफ़ यू लुक एट दी अदर कंपोनेंट अगर आप बाकी कंपोनेंट्स को देखें तो एंगुलर स्कैमोस स्क्मोजल और प्रोओटिक एंड ऑफिसोटिक दिस गिव राइज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर क्रेनियम दैट मींस डेंड्रोक्रेनियम डेंड्रोक्रेनियम के बाकी पार्ट्स बनते हैं जैसे कि स्क्मैमोस पोर्शन पिट्रस पोर्शन एंड मेस्टोइड ये जो बाकी पार्ट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन साइड आई मीन ऑर्बिट्स ऑफ द आईज एंड द इनर पार्ट ऑफ द ईयर्स एंड इनर पार्ट ऑफ द नोज ऑल दीज पार्ट्स विल डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग अदर कंपोनेंट सो दिस विल कलेक्टिवली हाइपोथोसाइज एंड सपोर्ट द कम्पोजिट थ्योरी ये जो डायग्राम है डेवलपमेंट का ये आपको कंपोजिट थ्योरी को समझने में उसको सपोर्ट करने में मदद करेगा सो दट्स हाउ द ओरिजिन ऑफ जॉज एंड स्कल टेक प्लेस इस तरह से जॉ और स्कल ओरिजिनेट होते हैं वी विल टॉक अबाउट द कंपैरिजन कंपैरेटिव एनाटॉमी की हम बात करेंगे लेकिन इससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा आई वुड लाइक टू आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू दैट हाउ डू यू सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स वॉट काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल सिमिलैरिटीज़ आर फाउंड इन द लिम्स यानी कि जो एग्जियल और जो लिम्स का स्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं अक्रॉस द वेरियस ऑर्गैनिजम्स अक्रॉस द वेरियस टैक्सॉन्स सो वी विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दैट ब्रेक वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन हेलो एवरीवन थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन अक्सर बनी रहती हैं सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूजन हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ वेलकम बैक टू एशांत अकेडमी ब्रेक से पहले हम ब्रेन यानी कि क्रेनियल केस की कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट अलग अलग ब्रैंकियल आर्चस यानी कि विसरल आर्चस से होता है आपने ये देखा कि विसरल आर्चस किसे कहते हैं और विसरल आर्चेस जो हैं वो वन टू सिक्स यूजुअली रहती हैं स्टार्टिंग की जो फर्स्ट ब्रांचल ब्रांकल आर्च है दैट गिव्स राइज टू मैंडेबल्स इसलिए उसको मैंडबुलर आर्च भी कहते हैं उसके बाद हाईड आर्च और बाकी आर्चिज होती हैं तो हमने दो थ्योरीज के बारे में भी बात की कि ये जो डेवलपमेंट है इट इज़ गवर्नड आइदर बाई सिक्वेंशियल थ्योरी जिसमें यह कहा गया था कि एक आर्च एक मैंडेबल वन आर्च वन मैंडेबल दैट मीन्स वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन कम्स फ्रॉम वन आर्च बट अनदर वॉज The composite theory which says that multiple arches multiple branchial arches or multiple visceral arches may be responsible for making one structure or one bone. These are the differences. Now if you talk about the development of jaws though Joka jaw successive development Johua organisms may from fish to amphibians to reptiles and then to mammals, there have been differences in the attachment of these jaws. इनिशियली देर इज अ टर्म विच इज ऑफ नोन एज मैकल्स डिस्क एक टर्म है जिसे हम मैकल्स डिस्क कहते हैं मैकल्स कार्टलेज विच इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट कम्पोनेंट जो बहुत ही प्रोमिनेंट कंपोनेंट है ब्रांकील आर्चिस का एंड जनरली दिस इज एट्रीब्यूटेड एंड असाइन टू द डेवलपमेंट ऑफ मैंडबल सो ड्यूरिंग द कंपैरेटिव एनाटॉमी एक चीज़ और देखने को मिलती है एक चीज़ और नज़र आती है जो कि हमारे जॉ का अटैचमेंट है ये जो जॉ है ये किस तरह से अटैच है इस क्रीनियल केस के साथ इन सम समर्गेनिजम्स इट इज फ्लेक्सिबल टू मूव कुछ ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड होता है पूरे हेड के साथ पूरी बॉडी के साथ मूव करता है सो देर आर डिफरेंसेस इन द अटैचमेंट पैटर्न ऑफ द बोन्स एंड हाउ मेकल्स डिस्क ग्रेजुअली इवॉल्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दैट इज ऑल्सो नोट वर्दी ये भी नोट करने की चीज है और इंपॉर्टेंट बात है अबाउट द मेकल्स डिस्क नाउ बियॉन्ड ब्रेन अगर हम क्रेनियम को छोड़कर बाकी स्केलेटल पार्ट्स की बात करें सो वी एंड अप इन समथिंग दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी स्केलेटन एक्सिलरी स्केलेटन विल प्रोवाइड द एक्सेस फॉर अटैचमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द बोन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देयर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज एक्जियल स्केलेटन में होती है एक लंबी बैकबोन एंड दिस लॉन्ग बैकबोन इज नॉट अ सिंगल बोन बट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल कम्पोनेंट स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ बोन्स Which are often called as vertebra, जिनकी वजह से इन को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है एट द सेंटर ऑफ दिस वर्टिब्रा विल बी अ अलो ट्यूब इसमें एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या रहता है जिसके अंदर एक सेंट्रल थिक नर्व रहती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं सो स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से निकलने वाली एक नर्व का बंच है विच गोज अक्रॉस दिस वर्टेबल कॉलम और वर्टेबल कॉलम हमें केवल एक एक्सेस ही नहीं देता है पूरी बॉडी के आर्टिकुलेचर को जोड़ने के लिए एक्सेस ही नहीं देता है बल्कि उस नर्व कॉर्ड को भी अपने अंदर प्रोटेक्टेड रखता है नो द एवोल्यूशन ऑफ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कैसे डेवलप हुई ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एंड दैट इज डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ द नेचर ऑफ दिस वर्टिब्रा इन वर्टिब्रा को स्टडी किया जा सकता है एक्जियल स्केलेटन को स्टडी किया जा सकता है एंड टू दिस एक्जियल स्केलेटन देर आर फ्यू मोर बोन्स अटैच जो कि विसरल ऑर्गन्स को रखने के लिए केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सो यू नो दैट वी ऑल हैव रिब्स इट दिस इन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी तो ये रिब्स कहाँ से कहाँ अटैच्ड होती हैं कौन से स्केलेटन का पार्ट होती हैं इफ़ यू नोटिस द एनाटॉमी आप देखेंगे कि हमारी जो बॉडी के रिब्स हैं वो जनरली बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं पीछे और बैकबोन से कनेक्ट होकर पूरा आगे तक दे मेक अ कम्प्लीट रिंग समी रिब्स आर फ्री हैंगिंग वो फ्रीली हैंगिंग होती हैं लेकिन जो टॉप रिब्स होती हैं शुरू की जो रिब्स होती हैं दे आर कनेक्टेड इन द बैक साइड टू योर बैक बोन एंड इन द फ्रंट साइड वी हैव समथिंग वेरी वेरी

रिब्स हैं ये फॉर्म होती हैं एंड हाउसम दैट इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दैट दीज वर्टिब्रा विच आर क्वाइट स्मॉल छोटे साइज की होती हैं दे आर वेल फिटेड विद ईच अदर एक दूसरे में फिटेड होती हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग लोकोमोशन एंड इंजेशन ऑफ द फूड एज वेल एज रेस्पिरेशन हम देखेंगे कि इन वर्टिब्रा और इन रिब्स का काम जो है वो कई सारी फिजियोलॉजीज में इन्वॉल्व है जैसे कि खाना खाने में जैसे कि मूवमेंट में यानी कि लोकोमोशन में और इवन रेस्पिरेशन में हमारी रिब्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं इनके साथ कुछ मसल्स अटैच होती हैं जो डायफ्राम के मूव करने के साथ साथ जो प्लूरल कैपेसिटी है जो अंदर का स्पेस है जो कैविटी है उसको चेंज करती हैं सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स दे हैड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रल सिस्टम दे हैड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रा देड डिफरेंट वेज ऑफ अटैचिंग दिज वर्टिब्रा टू द स्टर्नम तो हम अक्सर देखेंगे कि अलग अलग क्लासेस के ऑर्गेनिजम के स्टर्नम में और रिब्स के अटैचमेंट में डिफरेंस है और वर्टिब्रा में भी डिफरेंस है दीज आर द मेजर डिफरेंस विच आर सीन इन एक्जियल स्केलेटन लेट स्टॉक इन डीपर डिटेल्स अबाउट दिस सो हे वी गो If you compare the axial skeleton of different kind of organisms like Eurodella I hope you remember Eurodella and Anura If you don't remember then you can go to the videos of semester 1 of and class can study the subclasses of There you will find the difference between Eurodella and Anurans So if you look at the vertebra of Eurodella, Anurans and Lizard यू विल फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर एग्जिलरी स्केलेटन इनकी एग्जिलरी स्केलेटन में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा जैसे कि जो स्केलेटन है एग्जीलरी स्केलेटन यूरोडल्स का इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर काटलेजनियस स्केलेटन है और ये जो स्केपुला स्केपुला जो कि हमारी बॉडी में शोल्डर गर्डल बनाता है दिस पार्ट दैट स्केपुला इज हैविंग एन अटैचमेंट विद दी procoracoid cartilage which is a part of vertebral column and that is having an attachment with the primitive cartilage which is forming sternum so sternum has primitive form but if you move ahead if you talk about which are like frogs and other kind of amphibians so you will find that this. Uh, cartridge which was representing a sternal cartridge that has become elongated ye thodi si elongated ho hai. and that is making a primitive type of shoulder girdle or pectoral girdle and it is getting attached with this bone So yvala part of the this part this is a primitive form of what we call in humans as pectoral girdle just same pectoral girdle cathin so they started developing this scapula bone already but in case of lizards the advancement that you will see in the anatomy of axial skeleton will be development of ribs. Ribs were not present in the previous. क्लासेज बट यहाँ पर रिब्स डेवलप हो गई एंड यू कैन सी दैट दीज रिब्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नल कार्टलज जो कि हमारी बॉडी में वेल well डेवलप्ड है ये चेस्ट की मिडिल बोन होती है इसे हम स्टर्नम कहते हैं इस पर रिब्स अटैच होती हैं तो पहली बार ये प्रिमिटिव फॉर्म में किस ऑर्गेनिजम में डेवलप हुई थी लिजर्ट के अंदर डेवलप हुई थी एंड देन ऑफकोर्स वी हैव ऑल दोज बेसिक फीचर्स लाइक स्कैपुला एंड फेनेस्ट्रा इज जस्ट काइंड ऑफ प्रोट्र्यूज So this was an additional attach, uh, development in the lizard and other reptiles. If you go ahead, if we avians, so we will find much more uh, developed kind of rib cage. you developed sternum, you might be also knowing about something called as wishbone which provides better flight adaptations to the birds. That is a keel of sternum. So, this there is a sternum, and we have very well-defined and very well-developed system of. रिब्स विच आर कनेक्टेड ऑन वन एंड एक तरफ ये वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ दे आर फॉर्मिंग दिस पेक्टोरल गर्डल जो इनका शोल्डर का गर्डल बनाती हैं सो दिस इज़ मच मोर क्लोजर टू द मेमेलियन सिस्टम्स एंड कोर्स इफ यू लुक एट मेमेलियन सिस्टम अगर हम मेमल्स की बात करें टू रिप्रेजेंटेटिव कैट एंड अनदर इज़ बैट यू विल फाइंड दैट वी हैव मच मोर डेवलप्ड एंड मोर एडवास्ड कनेक्शंस

एडवांटेज वॉज वी हैड अ बेटर ब्रीदिंग एबिलिटीज क्योंकि इसने ब्रीदिंग में मदद की और साथ ही साथ बहुत सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट लिबर लिवर स्टमक ये सारे ऑर्गन्स इस पर्टिकुलर केज के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे सो वी हैव दिस केज एज एन इम्पॉर्टेंट एनाटामिकल डेवलपमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टर्नम विच इज कम्प्लीटिंग दिस केज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन्स विच मेक दिस स्ट्राइकिंगली इंपॉर्टेंट So, these were the basic differences in, in types of axial skeleton. Axial skeleton is comparison Now, coming to, so well, if we look at uh, the other components of axillary skeleton, we have basic axial skeleton. If we appendages, yani appendicular skeleton? So, we will find that appendicular skeleton across different organisms is more or less same. If you look at uh, the appendages of amphibians, Or if you look at reptiles, or maybe birds, or different kind of mammals, you will find significant similarities. Kafi similarities ko jo ki humne pehle video may be discussed ki thi, which are together can be collected as homologous organs. So, what similarities do you find here that are uh, palms or limbs? they are made up of similar set of bones if i talk just besides this figure if you look yourself then you will find that our bone shoulder bone this is basically hand which is connected with one of the girdle that is called as pectoral girdle your pectoral girdle so or bone hai, this is humerus bone which is then having a sliding pair of bones called radio and ulna and then we have carpals metacarpals and phalanges so the set of carpal's, metacarpals, the upper part is carpal's which is wrist bone, and then we have this part which is called as metacarpals, and we have set of phalanges. So these phalanges, carpal's and metacarpals, ye set hai, across different organisms, apko lagatar, dekhne ko milega, with the only difference that the sizes and arrangement of these bones have changed. इनका साइज और अरेंजमेंट जो है वो केवल बदला हुआ है इवन इफ यू लुक एट फॉसिल हॉर्सेज विच आर नॉट फाउंड दीज डेज यू कैन स्टिल फाइंड द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स कंपेयर टू द मॉडर्न हार्सेज आज की डेट में जो हॉर्सेज मिलते हैं एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूम्स एंड कैट्स यू विल फाइंड स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज इन ऑल दोज थिंग्स इनमें आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी इवन इफ यू लुक एट दी लोअर लिम्स अगर आप हैंड्स के बजाय लेग्स की बात करें तो लेग्स में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं दैट मीन्स यू हैव अ कॉमन लार्ज बोन विच इज कनेक्टेड टू योर गर्डल ऑफ ऑफ द मिडल रीजन विच इज कॉल्ड एस पेल्विक गर्डल पेल्विक गर्डल से जुड़ी हुई एक सेंट्रल बोन होती है जिसे हम फीमर कहते हैं और ये फीमर फिर नी जॉइंट पे अटैच रहती है एंड देन यू हैव अगेन पेयर ऑफ बोन्स विच आर कॉल्ड एज टीबिया एंड फेबुला and they are then connected with set of bones which are called as tarsals followed by metatarsals and followed by phalanges so this very common anatomy of all kind of limbs jo so appendages hai hands and legs they have a very much similarity in all of them they are likely to develop from same kind of जेनेटिक स् स्टिमुलेशन और जीन कंट्रोल विच हैीन स्टडीड बाई डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट एंड दैट हज़ ऑल्सो रिमेन कंजर्व अक्रॉस द डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स तो अक्रॉस द टेक्सोनिक ग्रुप्स ये सारी चीज़ें कंजर्व भी रही हैं हमारी बोन्स जो हैं वो सिमिलर रही हैं लेकिन केवल डिफरेंस आया है हमारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उनके अकॉर्डिंग इनके फीचर्स में इनके लेंस में इनके ऑर्गेनाइजेशन में

in case of mammals we have three different kind of arrangements of the digits one is called as plantigrade arrangement another is called as digitigrade arrangement and third one is called as unguligrade arrangement so you will find uh, this kind of arrangement formation of a very defined sole and heel which is due to the tarsals bone this is often found in humans and other primates so maybe because we have a walking style we can stand on two legs and that might be one of the reason that the sole became much more flat during the course of evolution and we became plantigrade but fast running animals like lions or cheetah or maybe other fast running organisms you will find this kind of arrangement with the claws placed here that is called as digitigrade arrangement on the other hand if you look at cattle's अगर हम कैटल्स की बात करें मे बी इवन इंक्लूडिंग हॉर्सेस काउस बफेलोज वी विल सी अ वेरी वेल डिफाइंड हु फेयर एंड द वर्टिकल सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ वेरियस मेटाटार्सल्स एंड टार्सल्स दिस इज कॉल्ड एज ग्रेड अरेंजमेंट ऑफ द लोअर आर्टिकुलेचर ऑफ द लिम्स सो दिस डिफरेंसेज डिसाइड and they also represent the divergent evolution which we have been talking about divergent evolution so that's what represent the divergent evolution and adaptations in the lifestyles based on the comparative anatomy so let me summarize all these things so in this video we have talked about कम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम इस वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के कम्पेरेटिव अकाउंट की बात की और हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के स्केलेटल डिफरेंसेस देखे जाते हैं एक कॉमन बात जो हमने सभी जगह देखी कि जनरली पूरे स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट्स या दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक जो स्कल का स्केलेटन है दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियो स्केलेटल सिस्टम अनदर पार्ट द रिमेनिंग वन दैट इज कॉल्ड एज एक्सलरी स्केलेटल सिस्टम और उस एग्जिलरी स्केलेटल सिस्टम में वर्टिब्रा एंड रिब्स दे आर कलेक्टिवली स्टडीड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ आर्टिकुलेचर और लिम्स स्केलेटल सिस्टम जो लिम्स का स्केलेटल सिस्टम होता है सो वी टॉक्ड अबाउट बोथ द थिंग्स हमने देखा कि किस तरह से जॉ एंड हेड इसकी बोन्स डेवलप होती हैं ब्रैंकिअल बोन्स जो होती हैं या विसरल आर्चिस जो होती हैं वो किस तरह से क्रेनियल सिस्टम को और जॉज को डेवलप करने में मदद करती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो सीन दैट वॉट आर द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ द रिब्स टू द वर्टिब्रा एंड हाउ दैट हैज ग्रेजुअली इवाल्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द डिफरेंस इन द बोन अरेंजमेंट इन लिम्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट अडाप्टशन लाइफ स्टाइल्स अगर आप इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की बुक को रेफर कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव हार्ड कॉपी ऑफ दिस बुक Then the link for the ebook has been given in the description box. So do not forget to share and subscribe to this channel. Do press the bell icon for more updates. Thank you for watching. All rights resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.